सबसे पहले तो ये समझ लो दीर्घ व्रत होता क्या है। दीर्घ व्रत की जो मेन डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, वो ये है कि दीर्घ व्रत उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी कि दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है। समझ में आया क्या मतलब हुआ ये? कि मत दीर्घ व्रत ऐसे बिंदुओं का या ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव क्या होता है? अच्छा अचर रहता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो दो निश्चित बिंदु होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं वास्तव में फोकी। फोकी फोकी मतलब फोकस दीर्घ वृत्त के लिए। जैसे आप लोगों को परवलय में, पैराबोला में फोकस मिला था, उसमें एक ही फोकस होता था, लेकिन दीर्घ वृत्त में दो दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? दो दो फोकस होते हैं, ठीक है ना। और दीर्घ वृत्त कुछ इस तरह का होता है बच्चों, हल्का सा, मतलब कि जैसे सर्कल है, सर्कल को ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया जाए, नीचे से दबा दिया जाए, तो एक हल्का सा अंडाकार शेप जो ले लेता है, तो वो दीर्घ वृत्त के शेप में आ जाता है। और इसकी ये दोनों जो फोकस बिंदु होते हैं, ये फोकस होते हैं यहाँ पर, ये कुछ इस तरह, ये जैसे दो परवलयों को अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए, उनकी नाभि को इस तरफ रखते हुए, तो आप लोगों को एक दीर्घ वृत्त मिल जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ व्रत का शीर्ष। क्या कहते हैं? दीर्घ व्रत का शीर्ष। और दो शीर्ष होते हैं बच्चों दीर्घ व्रत के, ये भी शीर्ष होता है, ठीक। ये जो दोनों होती हैं, ये दोनों होती हैं फोकस। क्या होती हैं? फोकस। मान लो कि इन फोकस के जो निर्देशांक हैं वो हैं -C,0, और इसके हैं बच्चों C,0, ठीक है ना, मान लिया, ठीक है। फोकस वन और फोकस टू, क्योंकि ये इस तरफ है इसलिए -C, और ये इस तरफ है इसलिए +C, मतलब कि ये जो है मूल बिंदु, ठीक है ना, इस मूल बिंदु से यहां तक की दूरी, मतलब कि ये जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हमने सी मान लिया है। क्या मान लिया है? सी मान लिया है। इसको नाम दे दो आप F1, और इसको नाम दे दो आप F2। बात समझ में आई? यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये हमेशा बराबर होती है, ये और ये दोनों बराबर होती है। और मान लो कि ये जो शीर्ष है इसके निर्देशांक है -A0, और इसके निर्देशांक हैं A,C। इतनी बात समझ में आई? पक्का। इस लंबी वाली जो अक्ष है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त की त्रिज्या, दीर्घ अक्ष, यानी कि मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस, बड़ी अक्ष। और ये जो अक्ष होती है, ये वाली, इसको कहते हैं हम लोग माइनर माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस, यानी कि लघु अक्ष। क्या कहते हैं? लघु अक्ष कहते हैं।
लघु अक्ष जो होती है वो मूल बिंदु से होकर जाती है और दीर्घ अक्ष के ऊपर लंबवत होती है। क्या होती है? दीर्घ अक्ष के ऊपर लंबवत होती है। हमने माना कि लघु अक्ष की जो लंबाई है, जो अर्ध लंबाई है, यानी कि मूल, ये मूल बिंदु यानी कि इसके केंद्र, ये केंद्र कहलाता है दीर्घवृत्त का, है ना। इस केंद्र से लेके यहां तक की दूरी हमने a मानी है। मान लो कि इसी केंद्र से लेके इस बिंदु तक की दूरी यानी कि अर्ध लघु अक्ष की लंबाई मान लो कि b है। कितनी है? b है। तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई अगर b है तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0b और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 -b। बात समझ में आई कि नहीं आई? श्योर इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? पक्का? यहां पर जो चीजें तुम लोगों ने समझी अब मैं उसको वहां पर लिख रहा हूं। कुछ चीजें हमने मुंह से बोल दी हैं अब उसको हम वहां पर लिख रहे हैं। मतलब अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोगों ने अभी तो केवल ये समझा कि दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या है और हमने देखा कि दीर्घवृत्त शेप में कुछ ऐसा होता है और उस दीर्घवृत्त का आप समीकरण बनाने के लिए, उसमें मैथमेटिकली दूसरी चीजें समझने के लिए हम लोगों ने कुछ चीजें मान ली अपनी मर्जी से। जैसे हमने जो फोकस थे दो उनके निर्देशांक अपनी मर्जी से मान ली, मतलब कि केंद्र से लेके वहां तक की दूरी अपनी मर्जी से मानी। हमने जो इसके शीर्ष थे उनके निर्देशांक हमने अपनी मर्जी से माने। जो इसकी दीर्घ अक्ष थी उसकी लंबाई हमने अपनी मर्जी से मानी, ठीक है ना। जो लघु अक्ष थी उसकी लंबाई हमने अपनी मर्जी से मानी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई अगर a है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई a है, तो यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई कितनी होगी? 2। मतलब कि दीर्घ अक्ष की पूरी लंबाई कितनी होती है? 2a। और लघु अक्ष की पूरी लंबाई कितनी होती है? 2b। ये चीज अपने दिमाग में रखना है ना। मतलब दो चीजें तुम लोगों ने सीख ली, क्या कि जो मेजर एक्सिस होती है उसकी टोटल लेंथ कितनी होती है? 2a। और जो माइनर एक्सिस होती है उसकी टोटल लेंथ होती है? 2b। इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया बात। ये जो दीर्घवृत्त है, अब हम लोग इसके समीकरण की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें जो c है, जो b है और जो a है, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे? एक संबंध स्थापित करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे आप? मान f1 माइनस c0 f2 c0 दीर्घवृत्त के नाभियां हैं, ठीक है ना। इसके शीर्ष प्लस माइनस a,0 है, ठीक है ना। ओके, शीर्ष हमेशा दीर्घ अक्ष पे होंगे, लघु अक्ष पे नहीं होंगे। कहां पर होंगे? दीर्घ अक्ष। जहां पर फोकी होगा या फोकस होगा उसी अक्ष पर शीर्ष भी होगा, ठीक है ना। केंद्र 0,0 है, ठीक है ना। दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a और लघु अक्ष की लंबाई कितनी है बच्चों? 2b है। इतनी चीजें समझ में आई? ठीक है। अब मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, माना p, माना p कोई बिंदु किसी एक शीर्ष पर स्थित है, ठीक है ना। राइट, अब जरा ध्यान देना। मान लो कि एक बिंदु है P, ये जो यहां पर स्थित है, थोड़ी देर के लिए मान लो P। तो एक तरह से ये जो P बिंदु है ये दीर्घवृत्त के ऊपर भी हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? दीर्घवृत्त के ऊपर होगा कि नहीं होगा? हो गया ना। अब आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है? आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि दीर्घवृत्त के ऊपर, दीर्घवृत्त के ऊपर जो भी बिंदु होगा
उसकी इस F1 से दूरी और उसकी इस F2 से दूरियों का जो योग है वो सदैव क्या रहेगा? अचर रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा अचर रहेगा। तो अब इसको अपन लोग टेस्ट भी कर लेते हैं कि ऐसा रियली होता है कि नहीं होता है। लेट्स चेक दिस, है ना? तो अब जरा ध्यान देना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि P की F1 से दूरी, P की F1 से दूरी प्लस P की F2 से दूरी बराबर कितनी होगी, अंदाजा लगा सकते हो? अभी अपन लोग चेक करते हैं। जैसे P की F1, सॉरी ये P की F1 से दूरी, तो देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, दूरी दूरी माइनस प्लस में नहीं होती, प्लस में होती है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी c, ठीक है ना? c, और यहां से लेके यहां तक की दूरी c प्लस a। ये पूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी a है ना? तो यहां से लेके यहां तक की c और यहां से लेके यहां तक की a। तो pf1 का मान कितना आया? c प्लस a। इतनी बात समझ में आएगी? नहीं आएगी? यस सर। यस। अब P की F2 से दूरी, अब P की F2 से दूरी कैसे निकालोगे? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? A प्लस A, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? C। तुम्हें तो केवल ये F2 से लेके यहां तक की दूरी चाहिए ना? यस सर। ये वाली दूरी चाहिए, तो A में से तुम कितना माइनस कर दोगे? C को। तो PF2 का मान कितना आया? A माइनस C। अब देखो ये C से C कट गया और बराबर कितना आ गया? 2A। और ये क्या है? अच्छा, तो हमने वास्तव में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि दीर्घवृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो उसका दोनों नाभियों से जो दूरी है वो सदैव क्या रहेगी? अच्छा अच्छा। इतनी बात समझ में आई? पक्का? श्योर? कोई डाउट? इतना नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी आप लोगों ने जो थोड़ी देर पहले किया था वो क्या था? वास्तव में दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु को अगर लें तो उस बिंदु से दोनों फोकस के बीच की दूरियों का जो सम है वो हमेशा 2a होता है। ये हम लोगों ने डिराइव किया अभी थोड़ी देर पहले। हम फिर से बनाएंगे दीर्घवृत्त का फोटोग्राफ, ठीक है? आप लोग भी बनाएंगे जरा एक बार फिर से, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, जितनी बार बनाएंगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। तो सपोज दैट, उसके लिए बच्चों ये किया करो, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर और यहाँ पर उतनी दूरी पर, है ना? तो ये आप लोग थोड़ा इसको मिलाइए और थोड़ा अंडाकार शेप लेते हुए, और इसको यहाँ रोका मत किया करो, इसी को ही आगे बढ़ा दिया करो इस तरह से, है ना? फिर इसको ऐसे और इसको इस तरह से, ये बन गया, ठीक? तो ये बना दीर्घवृत्त, ओके? अब इस दीर्घवृत्त में हमने ये समझा कि यहाँ पर होता है फोकस नंबर वन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस सी जीरो, यहाँ पर होता है फोकस नंबर टू, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं सी कॉमा जीरो, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो कॉमा बी, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं ए कॉमा जीरो, इसके होते हैं माइनस ए कॉमा जीरो, ये होता है मूल बिंदु जीरो जीरो, राइट? एंड दिस इज पॉइंट जीरो बी, ठीक है? ये उसका होता है लघु अक्ष और ये उसका होता है दीर्घ अक्ष। ये दो उसके फोकस होते हैं, ये बीच में उसका सेंटर होता है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो पॉइंट लिया था वो कहां पर लिया था? इस बिंदु पर, ये एक शीर्ष पर लिया था। तो हमने देखा था कि जब हमने उसको इस पॉइंट पर लिया तो P F1 प्लस P F2 बराबर कितना आया था? 2a आया था, है ना? अब एक काम करते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं। सपोज दैट कि एक पॉइंट हमने यहां पर लिया Q, सपोज दैट ये Q पॉइंट है। क्या है ये? Q पॉइंट है। अब निश्चित ही ये जो Q पॉइंट है ये भी क्या है? दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो एक काम करते हैं, इस Q पॉइंट का भी हम लोग क्या निकालते हैं? ये इसकी फोकस से दूरी निकालते हैं और उनका योग करते हैं। निश्चित ही वो योग कितना होना चाहिए? 2a होना चाहिए। हम उसको 2a के इक्वल मान लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त पर स्थित Q
किसी भी बिंदु का फोकस से अगर डिस्टेंस निकाला जाए दोनों फोकस से और उन दूरियों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा एक ही मान आएगा और वो मान कितना होना चाहिए 2a। ठीक है, ये हम लोग सिद्ध किया अभी, तो 2a हमेशा रहेगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर हम q की यानी कि लेट अस सपोज यहां पे लिखते हैं लेट q बी एनी पॉइंट ऑन ऑन माइनर एक्सिस ऑन एलिप्स। ठीक है ना, मतलब माइनर एक्सिस पर है और दीर्घवृत्त पर भी है। ठीक है, तो ये हमने ये पॉइंट ले लिया Q। अब इस Q के कोऑर्डिनेट जीरो भी होंगे क्योंकि ये माइनर एक्सिस पर है और दीर्घवृत्त पर है, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो भी, क्योंकि इस पूरे की लंबाई कितनी होती है 2b। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हम q से f1 का डिस्टेंस प्लस q से f2 का डिस्टेंस निकालें तो ये कितना आना चाहिए 2a। कितना आना चाहिए 2a, क्योंकि दीर्घवृत्त पर कोई भी बिंदु हो उसका फोकस दोनों फोकस से दूरियों का योग सदैव क्या होता है 2a अचर होता है और वो अचर राशि क्या है 2a। बात समझ में आई? ओके, अब इन दोनों के बीच में दूरी का सूत्र लगाओ कितना आएगा। इन दोनों के बीच में दूरी का सूत्र लगाओगे तो ये आएगा y2 सॉरी x2 माइनस x1 यानी कि माइनस c माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b तो 0 माइनस b का होल स्क्वायर प्लस प्लस q f2। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी तो स्क्वायर रूट ये आएगा c माइनस 0 c माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b का होल स्क्वायर बराबर में कितना 2a। बात समझ में आ रही है? अब इसको ओपन करो बच्चों तो ये आएगा c का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ c का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। सही है, बराबर में कितना 2a। अब इसको हल करना है और हमें a b और c के बीच में क्या लेकर आना है संबंध। क्या लेकर आना है संबंध। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अभी हम लोग दीर्घवृत्त की इक्वेशन नहीं निकाल पाए हैं, अभी हम बेसिक्स पर ही हैं, है ना, और बेसिक समझना जरूरी है सारी थ्योरी। तो अब इन दोनों को जब आप लोग हल कर लोगे, हल पता है कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, दोनों और होल स्क्वायर करना है पहले, क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर कर दोगे तो यहां से वर्गमूल हटेगा, ये भी वर्गमूल हटेगा, लेकिन साथ में 2ab करके आ जाएगा, तो 2ab में इसमें दोनों पर वर्गमूल आ जाएगा। फिर आपको सारी चीजों को एक तरफ लेके जाना है और एक बार फिर से स्क्वायर कर देना है, तो वो कंप्लीटली पूरा वर्गमूल हट जाएगा, और जब वो वर्गमूल हट जाएगा और माइनस प्लस आप कर लेंगे तो इस पूरे को हल करने के बाद आपके पास में जो फाइनली आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इट इज इक्वल्स टू यस इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आएगा आपके पास में, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया पूरे को तो यू विल गेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से c स्क्वायर बराबर कितना आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नहीं ये गलत है, यहां से c स्क्वायर की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि c बराबर आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी दीर्घवृत्त में फोकस के निर्देशांक निकालना हो तो आपको उसका अगर लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की अर्ध लंबाइयां या लंबाइयां पता है तो आप उनकी मदद से सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। बात समझ में आई? ये वास्तव में क्या है, ए बी व सी में संबंध है। क्या है ये, ए बी सी में संबंध है, और ध्यान रखना इसको क्योंकि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है आगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या कर लिया है, क्या कर लिया आप लोगों ने, ए बी सी यानी कि फोकस के निर्देशांक,
शीर्ष के निर्देशांक और लघु अक्ष का जो निर्देशांक है दीर्घ वृत्त पर, उनके बीच में क्या निकाल लिया है? संबंध, यानी ए बी और सी में संबंध निकाल लिया है। इसको नोट करो। अगला टॉपिक है बच्चों उत्केंद्रता। इंग्लिश में कहते हैं सेंट ड्रीम सिटी। अब हम लोग उत्केंद्रता की ओर बढ़ रहे हैं। उत्केंद्रता वास्तव में एक अनुपात होता है ना, और उत्केंद्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई, स्मॉल ई से। और उत्केंद्रता वास्तव में होता क्या है? उत्केंद्रता बराबर होता है शीर्ष की, यानी दीर्घवृत्त में जो इसका केंद्र है, इस केंद्र से आप फोकस तक की दूरी निकालो। कहां तक की? फोकस तक की, यानी कि सी। और उस सी को आप भाग दे दो किससे? इस केंद्र से एक शीर्ष तक की जो दूरी है उससे, यानी कि ए से। ये तो ई बराबर कितना होता है? सी अपॉन ए। और अगर हम यहां से कुछ डिराइव करने की कोशिश करें तो हम यहां से डिराइव कर सकते हैं कि C बराबर होता है A, E, A, ठीक है। तो उत्केंद्रता वास्तव में है क्या? उत्केंद्रता वास्तव में एक अनुपात है। क्या है? अनुपात। कौन सा अनुपात? C अनुपात। शीर्ष की जो इसके केंद्र है, शीर्ष की सॉरी फोकस की केंद्र से दूरी निकालो और उसमें डिवाइड कर दो केंद्र की किसी एक शीर्ष से जो दूरी है उससे, है ना? बात समझ में आई? तो E is equals to होता है C upon A, right? अब हम लोग बढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स यानी कि दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण। अब मानक समीकरण निकालने के लिए तरीका बहुत आसान है। क्या तरीका है? मान लो थोड़ी देर के लिए कि दीर्घ वृत्त पर ये कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक हैं x, y, है ना? तो अब हम लोगों को क्या करना है? x और y के टर्म्स में दीर्घ वृत्त की इक्वेशन निकालनी है। तो अगर ये बिंदु दीर्घ वृत्त पर है तो वो उस कंडीशन का भी पालन करेगा। कौन सी? कि इस बिंदु की F1 और F2 से जो दूरियां हैं उनका अनुपात हमेशा कितना होगा? 2a, right? तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये वाली शर्त इस पर भी लगा देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ, let PXY be any point on ellipse, on ellipse. So, तो क्या होगा बेटा? P का F1 से दूरी और P का F2 से दूरी बराबर कितना होना चाहिए? 2a. अब P की F1 से दूरी मतलब कि वही दूरी का सूत्र लगाओ तो ये क्या आएगा? This is equals to x minus x plus c whole square y minus 0 whole square plus square root x minus c whole square plus y minus 0 whole square बराबर में कितना? 2a. तो मतलब ये कितना आ जाएगा बच्चों? It's a x plus c whole square plus y square plus x minus c whole square plus y square बराबर 2a. और इस पूरे को जब आप हल कर लोगे, हल करने का तरीका वही, स्क्वायर करोगे, ठीक है ना? देन इसके बाद वर्गमूल वाला जो चिन्ह होगा उसको एक तरफ रखते हुए बाकी सारी चीजों को एक तरफ, फिर स्क्वायर करोगे तो वर्गमूल हट जाएगा, माइनस प्लस करोगे तो तुम्हारे पास में एक रिजल्ट बनेगा और वो रिजल्ट कुछ ऐसा होगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ठीक? ये है दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण। This is the standard equation of ellipse, जिसमें ये क्या है? ये दीर्घ अक्ष की अर्ध लंबाई, ये जो a है ये दीर्घ अक्ष की क्या है? अर्ध लंबाई।
और ये जो B है ये है लघु अक्ष की अर्ध लंबाई। वास्तव में ये कौन से दीर्घवृत्त की समीकरण आई है? ये उस दीर्घवृत्त की समीकरण आया है जिसका जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष पर है और जिसका लघु अक्ष जो है वो कहां पर है? y अक्ष पर। अगर नोट, अगर दीर्घ अक्ष ठीक है ना, y अक्ष पर आ जाए, कहां पर आ जाए? y अक्ष पर आ जाए, यानी कि परवल है, सॉरी ये जो दीर्घवृत्त है अगर ऐसा बन जाए, ऐसा, तो पता है इसका समीकरण कैसा हो जाएगा? फिर इसका समीकरण इस तरह से हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर एक। लेकिन ऐसी स्थिति में, ये इस स्थिति में जो a स्क्वायर है वो छोटा होगा b स्क्वायर से, मतलब a का मान छोटा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा यहाँ पर और ये बढ़ जाएगा, और ये जो है इसमें a स्क्वायर का मान बड़ा होता है b स्क्वायर से। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? ये ऊपर वाला a स्क्वायर इसमें हमेशा बड़ा होगा b स्क्वायर से, राइट? तो इसका शेप ऐसा बनेगा, और अगर a स्क्वायर छोटा होगा b स्क्वायर से तो उसका शेप ऐसे लंबे में बनेगा, ठीक है? मतलब ये वाली राशि उसमें बड़ी होगी और ये वाली छोटी होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वाला जो दीर्घवृत्त है या इलिप्स है ये किस टाइप का है? इसका मेजर एक्सिस कहां पर होगा? y अक्ष पर है, और माइनर एक्सिस कहां पर होगा? x एक्सिस पे। और ये जो दीर्घवृत्त है, ये जो इलिप्स है, इसका मेजर एक्सिस कहां पर है? x एक्सिस पे, और माइनर एक्सिस y। इतनी बात समझ में आई? तो अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? तुम लोगों ने ए बी सी के बीच में एक संबंध स्थापित कर लिया कि सी स्क्वायर बराबर, सॉरी ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप लोगों ने पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करी, है ना, और वो केस भी देखा जिसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करी, वो इक्वेशन जिसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो, और आपने एलिप्स की वो इक्वेशन भी समझी जिसमें उसकी मेजर एक्सिस कहां पर हो? वाई एक्सिस पे। समझ में आई? अब एक नई चीज और बची है और वो है नाभि लंब की लंबाई। तो अगली हेडिंग डालिएगा नाभि लंब की लंबाई। Length of lateral rectum, ठीक है ना, नाभिलंब की लंबाई। अब नाभिलंब होता क्या है? नाभि पर जो लंब खींचा जाए वही नाभिलंब होता है। दीर्घवृत्त, और ये उसका ना फोकस, और फोकस के ऊपर जब आपने ये खींचा लंब, तो यही क्या है बच्चों? नाभि लंब है। मान लो कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है? L। तो जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे होगी। किसी तरह अगर इस L का मान पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा, उसका टू टाइम कर देंगे तो नाभि लंब की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं? सी कॉमा जीरो, यहां पर माइनस सी कॉमा जीरो है, है ना, और यहाँ पर क्या होता है? C, 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 C. अब किधर पे भी ले लो, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना? Yes. दोनों तरफ सेम ही होता है। ध्यान देना कि जो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था कि C बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? A ही बराबर C बराबर A ही होता है, ठीक है ना? तो यहाँ से C बराबर A ही, और अगर कुछ और रिलेशन इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करें doesn't matter, C बराबर होता है A E, ठीक है ना? And मान लो कि इस बिंदु के निर्देशांक हैं C कॉमा L, क्या निर्देशांक है इसके? C कॉमा L, है ना? वैसे तो माइनस C होगा और यहाँ पर होगा
तो ये C कॉमा L होगा, ठीक। किसी तरह से हमें L की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, L की। तो जरा ध्यान दो, अगर इस बिंदु के निर्देशांक C कॉमा L है तो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है c, और l कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी y कोऑर्डिनेट कितना है l। अब पैराबोला की जो स्टैंडर्ड, सॉरी जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। इसमें हम x की जगह पर c लिख दें तो c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y की जगह लिख दें l स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। अब C की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE, मतलब ये बन जाएगा AE का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर बराबर 1। आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये स्क्वायर करेंगे तो A से A कट जाएगा और E स्क्वायर प्लस L square upon B square बराबर कितना आ जाएगा 1। इसको इधर लेके जाओ तो L square बराबर आ जाएगा 1 minus E square और ये B cross multiply होगा तो ये B square। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes. Sure? कोई doubt? No, कोई doubt नहीं। अब यहाँ पर अपन लोग E की जगह पर कितना लिख सकते हैं बच्चों? E की जगह पर अपन लोग वो लिख सकते हैं C upon A। तो अगर यहाँ पर हम लोग C upon A लिख दें तो ये बन जाएगा B square 1 minus C square upon A square, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B square upon B square A square minus C square upon A square, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, b स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है b स्क्वायर सर। कैसे सर, वो प्लस में बड़ा हो जाए b स्क्वायर स्क्वायर 2 b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। देखो जरा, तुम लोगों ने a b और c में एक रिलेशन बनाया था, क्या था वो, कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था कि कुछ और था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर था c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कितना होगा, इसको इधर ले आओ तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं b स्क्वायर, तो l स्क्वायर बराबर कितना आ गया b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। अब ये l स्क्वायर है, वर्गमूल जब हटा दोगे तो l बराबर कितना आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a, कितना आ जाएगा b स्क्वायर a। लेकिन ये जो आया है ये तो अर्धनाभिलंब, यानी कि जो लैटिस रेक्टम है उसकी आधी लेंथ है, ये आपको क्या फुल लेंथ निकालनी है, तो जो नाभिलंब की कुल लंबाई होगी, तो फाइनली अपने पास में जो नाभिलंब है, नाभिलंब की लंबाई वो बराबर होगी 2l, और l का मान हम लोग निकाल चुके हैं तो ये कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। समझ में आ गया बच्चों? yes. राइट, तो नाभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या बन गया, 2b स्क्वायर अपॉन a, क्या बन गया 2b स्क्वायर अपॉन a। अब फाइनल टच, समझ लो जरा इसको, आपके पास अगर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1, ये क्या है, दीर्घवृत्त है, तो इस दीर्घवृत्त में जो शीर्ष होगा, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, शीर्ष, अच्छा ये होते हैं शीर्ष, a जीरो माइनस, शीर्ष होंगे माइनस ए जीरो और प्लस ए जीरो, जो इसका सेंटर होगा, सेंटर मतलब केंद्र, वो होगा जीरो जीरो, जो इसकी नाभियां होंगी मतलब कि फोकी, ये फोकस का प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन, फोकस एक होता है और फोकी दो होते हैं, राइट। तो नाभियां, नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस
सी जीरो और माइनस सी जीरो, कभी कभी इसको शॉर्ट में बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं प्लस माइनस सी जीरो, राइट। तो नाभियों के निर्देशांक किए होंगे। नंबर चार, नाभि लंब। अच्छा एक चीज और ये बताने से पहले, सी जीरो जहां जहां सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा समझ में आ रहा है पूर्णिमा, जहां सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर चार, नाभि लंब की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम क्या होगा बच्चों, इट इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन a, ये होता है फॉर्मूला अभी हम लोगों ने ड्राइव किया, 2b स्क्वायर अपॉन a होता है, ठीक। नंबर 5, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2a, लघु अक्ष की लंबाई कितनी होगी 2b, लघु अक्ष की लंबाई होगी 2b, ठीक है, हो गया। दीर्घवृत्त में इतनी चीजें ही होती है ना, फोकस होते हैं, नाभि लंब होता है, लघु अक्ष होती है, दीर्घ अक्ष होती है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इन सब सूत्रों की मदद से आप लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर ये आपको दीर्घवृत्त दिया है और ये कौन सा दीर्घवृत्त है जिसमें ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, ठीक है ना। तो शीर्ष ये होगा, सेंटर ये होगा, नाभियों के निर्देशांक ये होंगे जहां पर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नाभि लंब की लंबाई ये होगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई ये होगा और लघु अक्ष की लंबाई ये होगी, ठीक है। और अगर ए स्क्वायर बदल गया मतलब ए स्क्वायर बड़ा हो गया बी स्क्वायर से, तो ये सब जहां जहां पर ए है वहां वहां पर बी आ जाएगा, क्या बेटा बी स्क्वायर बड़ा हो गया, मैं उल्टा बोल गया, ओके। अगर बी स्क्वायर बड़ा हो गया ए स्क्वायर से तो जहां जहां पर ए है वहां वहां पर बी हो जाएगा, सारा काम उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये नोट कर लो, तो मैं उसके लिए भी लिखवा देता हूँ सारी चीजें। देखो बच्चों, अगर हमारे पास में एक ऐसा दीर्घवृत्त है यानी कि इलिप्स है जिसमें बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो उसमें जो शीर्ष होंगे वो यहाँ पर होंगे, है ना, तो शीर्ष यहाँ पर होंगे तो उसके उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, कॉमा प्लस माइनस बी, सेंटर सेम होगा 0, 0, नाभियां जो होंगी वो बदल जाएंगी, अब नाभियां आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट, F1 F2 वहां पर y अक्ष पे मिलेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, कॉमा प्लस माइनस c, जहां पर c स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जबकि इसमें क्या था c स्क्वायर बराबर था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बी केयरफुल। नाभि लंब की लंबाई 2l बराबर होगी 2a स्क्वायर अपॉन b, वहां पर क्या थी 2b स्क्वायर अपॉन a, ओके। दीर्घवृत्त की लंबाई होगी 2b और लघु अक्ष की लंबाई होगी 2a, सॉरी दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी 2b और लघु अक्ष की लंबाई होगी 2a, समझ में आया बच्चों। अच्छा एक चीज भूल गए, इसमें नंबर 7 उत्केंद्रता, ईसेंट्रिसिटी, याद है फॉर्मूला, ई बराबर क्या था इसमें सी अपॉन ए, अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें फिर क्या बनेगा उत्केंद्रता, ई बराबर सी अपॉन बी, दैट्स ऑल। ये दो फॉर्मूले और ऐड कर लो, आप लोग सब कर लोगे,